हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉपिंग शॉर्ट कैंपस में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोटोरोला की सीरीज मोटो G31 स्मार्टफोन के बारे में। मोटोरोला कल यानी 29 नवंबर 2021 को भारत में अपने नए स्मार्टफोन मोटो G31 को लॉन्च करने वाली है। अब यह फ़ोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। लॉन्च से पहले इस फ़ोन के फीचर्स का मैं खुलासा करने वाला हूं और क्या क्या मिलने वाला है आपको मूवी में बता दे रहा हूं। मोटोरोला का यह नया फ़ोन 6.4 इंच की एमोलेड FHD प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा और इसके रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेट अप मिलेगा, जिनमें से मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का ही मैक्रो विजन कैमरा मिलेगा। मतलब इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस चीज़ में। और मैं बता दूं, सुरक्षा के लिए दिया जाएगा खास सॉफ्टवेयर, तो मतलब सुरक्षा भी आपकी इसमें दी जाएगी। इस फ़ोन में मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर दिया जाएगा और इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। इस फ़ोन को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ लाया जाएगा। सुरक्षा के लिए फ़ोन में थिंक शील्ड सॉफ्टवेयर कंपनी से ही मिलेगा, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा आपके लिए होने वाला है। अब मैं चार्जिंग की बात कर दूं तो 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाली है। इस फ़ोन को 5000 mAh की बैटरी के साथ लाया जाएगा, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि यह 36 घंटों का बैटरी बैकअप देगी। यह फ़ोन 20 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा इस फ़ोन के डिजाइन को वाटर रिपेलेंट बनाया गया है, यानी गलती से भी अगर इस पर पानी पड़ता है तो यह ऐसा होने पर भी ख़राब नहीं होगा। इसका वजन बता दूं, 180 ग्राम इसका वजन होने वाला है और इसे 8.4 mm पतला बनाया गया है, मतलब यह स्लिम फ़ोन होगा। इसकी कीमत की जानकारी इसके लॉन्च के बाद ही सामने आएगी। तो दोस्तों, यह फ़ोन बहुत ही बेहतरीन होगा अगर आप ये अगर लॉन्च होता है 29 को। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे ही आपको वीडियो अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल शॉपिंग शॉर्ट कैंपस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।